नमस्कार दोस्तों, आज है 2 नवंबर और 2 नवंबर को एक बार फिर से मैं अपने चैनल पे एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ। जी हाँ, कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने एक हफ्ते में ही इतना ज़्यादा रिटर्न्स आपको निकाल के दिया है ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। जी हाँ, एक वीक का रिटर्न और काफ़ी सारे स्टॉक्स मौजूद हैं। और देखिए आगे इन स्टॉक्स पे क्या हो सकता है, ये तो कहीं नहीं जा सकती, बट सारे बहुत ही बेहतरीन रैली किए हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं वो कौन कौन से स्टॉक हैं। ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इस तरह का मोमेंट बहुत कम देखने को मिलता है। सबसे पहला उत्तम ग्लोबल ग्लैब स्टील लिमिटेड, 47%, एक ही वीक में 47% आप देख सकते हैं। ITD सीमेंटेशन इंडिया, ये तो बहुत बेहतरीन जर्नी तय की है अभी हाल फिलहाल में। नेक्स्ट स्टॉक है किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड, इसमें 44% की रैली हम लोग को एक हफ्ते में देखने को मिली है। बीएफ यूटिलिटीज़ कल ही सॉरी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में बहुत ज़्यादा चला, बहुत ज़्यादा बीएफ यूटिलिटीज़। उसके बाद है मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स, 40% की रैली। डिस टीवी काफ़ी तेज है न्यूज के बेसिस पे, तो डिस टीवी पे थोड़ी सी डिस्टेंस जरूर बना के रखिएगा, 38% चल चुके हैं। और सैरी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड 37%, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 34%, MSR कॉपर लिमिटेड 31%, RPG लाइफ साइंस लिमिटेड 31%, अलंकित लिमिटेड 30%, और IFCI लिमिटेड 28%, हिंदुस्तान मीडिया वेंचर 27%, LG बालकृष्णन ब्रदर्स लिमिटेड 27%, जेट एयरवेज 27%। भूल के भी इन सभी स्टॉक्स पे आप एकदम पोजीशन नहीं बनाइएगा। पटेल इंजीनियरिंग 27%, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, ठीक है ना, MTNL। ये MTNL पे थोड़ी सी आप देख सकते हैं क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा अभी ये न्यूज़ चल रही है कि सरकार इसे मर्ज करेगी BSNL के साथ, तो इस कंपनी पे जरूर नज़र बना के रखिए। काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कल सुबह परसों मंडे को जब मार्केट खुले तो उठ के ही आप इसमें बहुत बड़ा पोजीशन बना ले, नहीं दोस्तों, इसे देखना है कि क्या हो रहा है, इसे ट्रैक कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में देखा जाएगा कि इसमें क्या होगा, तब इसमें पोजीशन बनाया जाएगा। मेटलिस्ट फॉर्गिंस लिमिटेड 27%, 8K Mile सॉफ्टवेयर सर्विसेज 27%, रिलायंस नोबल एंड इंजीनियरिंग। ये स्टॉक बहुत ज़्यादा चल रहा है दोस्तों, ये तो अपर सर्किट तोड़ ही नहीं रहा, अपर सर्किट पे ही है, अपर सर्किट ही लगाता जा रहा। जैन इरीगेशन सिस्टम 26%, तो GVK पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 26%, MT एडुकेयर 26%, एडलैब्स इंटरटेनमेंट लिमिटेड 26%, A2Z इंफ्रा इंजीनियरिंग 26%। देखिए ये लिस्ट मैं इसलिए प्रेजेंट किया हूँ कि देखिए आप अभी क्वेश्चन करेंगे कि ये तो रैली हो चुकी है, अब इसे दिखाने से क्या फ़ायदा। तो फ़ायदा है, आप अगर ऐसे किसी स्टॉक को अगर बाई कर लेते हैं जो कि रैली ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर चुके हैं और बहुत बेहतरीन स्टॉक्स नहीं है फॉर अ लॉन्ग टर्म, चल रहे हैं बट जब टूटेंगे तो इसी कदर से टूटेंगे, इतनी गारंटी है, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में रहेगा कि ये स्टॉक्स इतना चल चुका था, आप ज़रूर एक बार संभलेंगे और हो सकता है इस पे पोजीशन बड़ा बना के ना कैरी करके जाए और लास्ट में लॉस बुक करें। इसीलिए ये वीडियो कंपोज किया है मैंने कि ये सभी स्टॉक्स जितने भी मिड कैप हैं सारे के सारे स्टॉक्स इतना ज़्यादा चल चुके हैं, 50% का रिटर्न एक वीक में मायने रखता है। बैंक के FD में 6% का रिटर्न मिलता, आपका पैसा डबल होने में 8 साल लगता है, आपका पैसा डबल होने में 8 साल लगता है तो आधा होने में 4 साल लगता है। यहाँ स्टॉक मार्केट में एक हफ्ते में ही 50%, मतलब आपका पैसा आधा कर दिया एक हफ्ते में, 7 दिनों में, और बैंक 4 साल में आपका पैसे को इतना बना के देती, तो आप सोच सकते हैं कि ये बहुत बड़ी तेजी है। इसीलिए ध्यान से रखें, मार्केट में सचेत रहें, वरना मात खानी 100% तय है। और लंबे समय के लिए बने रहें चैनल पे, साथ ही साथ कुछ अलग स्टॉक्स पे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो पोस्ट किया उसमें काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है फॉर अ लॉन्ग टर्म। इंडियन इक्विटी मार्केट आज से 15-20 साल या 30 साल के बाद में ऐसा नहीं दिखेगा, कुछ डिफरेंट दिखेगा। और लॉन्ग टर्म में अगर कोई निवेशित रहता है तो स्टॉक मार्केट ऐसे ऐसे चलेगा, ये ग्राफ जरूर देखिएगा दोस्तों, ऐसे ऐसे चलेगा,
ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, बट इसका ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड ऐसा ही नज़र आएगा, ठीक है। अब ट्रेंड 2008 में क्रैश हुआ मार्केट, 2011 में क्रैश हुआ मार्केट, बट निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने कहाँ से स्टार्ट की, 4000 से लेके आज 11000 तो हम लोग ज़रूर देख पा रहे होंगे जो नियर टर्म में इन्वेस्टर्स हैं। 3000 4000 से निफ्टी ने स्टार्ट किया, आज 12000 के आसपास में है निफ्टी। तो क्या लॉन्ग टर्म में निफ्टी ने क्या हुआ, निफ्टी ने ही चला, एकदम चला, और आने वाले समय में निफ्टी 12000 क्यों, और भी ज़्यादा चल जाएगा। सेंसेक्स 40000 क्यों, 1 लाख तक का टारगेट दिया जा रहा सेंसेक्स में, जो कि बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हुए हैं मार्केट के, 1 लाख का टारगेट है सेंसेक्स, 1 लाख तक जाएगा। ये टाइम फ्रेम कोई नहीं बता सकता, ना मैं ना आप ना बड़े बड़े जो टीवी में बैठे एनालिस्ट हो, चाहे जितने भी ब्रोकरिंग फॉर्म हो, कोई भी नहीं बता सकता। टाइम की गारंटी नहीं है, बट जाएगा वहाँ तक इस चीज़ की गारंटी है। चलिए इस वीडियो पे मैं इतना ही कहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस पे, आप इस सभी में से किसी स्टॉक्स पे पोजीशन ना बनाए तो अच्छा होगा, बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि पैसा आपका। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो रिगार्डिंग द स्टॉक मार्केट अपने चैनल पे लाता रहता हूँ, तो आपको भी फायदा हो, आप भी अपडेटेड रहें मार्केट से। इसीलिए हमारा चैनल सबसे बेस्ट होगा, जो स्पेशली अपने काम को देखते हैं, अपने प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, उन सभी के लिए हमारा चैनल सबसे बेस्ट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। थैंक यू।